आप सभी भी परेशान हैं अपनी ITR की रिसीट को लेकर। अगर आप अपनी ITR की रिसीट को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो बने रहें आज की वीडियो में, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आप अगर ITR फाइल कर चुके हैं, जो कि आपके ITR 2, 3, 4 कोई सी भी अगर ITR होगी, अगर आपने उसको फाइल कर दिया है, अब आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट या रिसीट डाउनलोड करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं। तो बने रहे आज की वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सो दैट कि आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं कि हम किस तरह अपनी ITR की फाइल्स को या एक्नॉलेजमेंट की रिसीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं अपने ITR की पोर्टल से। तो चलिए आते हैं स्क्रीन के साइड। इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं गूगल पे, यहाँ पर टाइप करेंगे IncomeTax.gov.in। ये इनकम टैक्स का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर ऊपर में आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसके अंदर एक फर्स्ट है लॉगिन का, क्योंकि आप रिसीट चाहिए आपको तो आपका लॉगिन पासवर्ड यूज़र बनाया ही होगा, तो हम यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम डालना है। अब यूज़र नेम में आपका आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर कुछ भी हो सकता है। आप अपना यूज़र नेम लिख दीजिए, देन उसके बाद इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स मिल जाएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड डालना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड, आप उस पर क्लिक करें। देन उसके बाद यहाँ पर अपना पैन नंबर लिखें। देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस आ जाएंगे पासवर्ड को रिसेट करने के लिए। यहाँ पर आपको ईमेल एड्रेस या फ़ोन नंबर पे आपके पास एक OTP आएगा, जिसके थ्रू आप पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर DSC का ऑप्शन है, अगर आप DSC यूज़ करते हैं डिजिटल साइन, तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास थर्ड ऑप्शन है, अगर आप आधार OTP से इसको वेरीफाई करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके आधार पे जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, एंड उसके बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड रिसेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह हम अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं, इन केस आपके पास आपका पासवर्ड नहीं है। अभी मैं मान के चल रही हूँ आपके पास आपका पासवर्ड है, तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपके सामने कुछ ऐसा होगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको ई फाइल में ऑप्शन मिल जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे फाइल रिटर्न अगर आपको करनी है तो आप फर्स्ट ऑप्शन पे, और अगर आपकी जो व्यू फाइल रिटर्न है, जो आपने ऑलरेडी फाइल करी हुई है रिटर्न को देखना चाहते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑलरेडी आपने 5 इनकम टैक्स रिटर्न फिल करी हुई है। यहाँ पर आपको पेज पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 रिटर्न आ रही है, और अगर आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो आपको बाकी के 2 रिटर्न पर मिल जाएंगी। और अगर आप चाहेंगे एक ही पेज पर सारे रिटर्न आ जाएँ, तो उसके लिए भी आप इस तरीके से इसको एक पेज पर 6 रिटर्न्स के लिए आप क्लिक कर सकते हैं, और ये सारी की सारी रिटर्न एक पेज पे आपकी आ जाएंगी। अब आप चाहते हैं कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न को डाउनलोड कर लें, एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर लें, इसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली सेव का बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप इसको डाउनलोड रिसीट कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप अपने एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देखेंगे जैसे आप इसको रिसीट को डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट आ जाता है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है तो वो आपके सामने फॉर्म आता है, और अगर फाइल कर दी है तो वो एक्नॉलेजमेंट के रूप में आपके सामने आ जाते हैं। और अगर आप इसके साथ ही चाहते हैं कि आपके डिटेल जो भी इनकम टैक्स के फॉर्म है वो पूरे क्लियर के लिए आ जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं डाउनलोड फॉर्म, आपको इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि आपका जो भी फॉर्म नंबर है वो डिटेल्ड में आ जाएगा, आपने कौन कौन से डिटेल्स डाली हैं, कौन कौन से इनकम डाली है, पूरा का पूरा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपके सामने आ जाएगा, जो भी जहाँ जहाँ पर भी आपने पुट करी हैं फिगर्स एंड इनकम्स। तो इस तरह आप अपने रिसीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने फॉर्म्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसका एक्सेल फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर डाउनलोड एक्सेल फॉर्मेट में भी आ रहा है, और अगर आप चाहें तो इसका JSON फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप सारे के सारे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो लास्ट 3 इयर्स की आपकी एक्नॉलेजमेंट रिसीट मांगी जाती है, तो आप यहाँ से डाउनलोड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।